नमस्ते बच्चों कक्षा नो विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है एक पॉइंट तीन इसका जो एक भाग है वो अपने पहले हल कर चुके हैं और आगे का जो भाग है वो अपने अब हल करेंगे तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है तीसरे की तरह ही है लेकिन तब अपनी वीडियो लंबी हो रही थी तो छोड़ दिया मैंने तो देखो तीसरे क्वेश्चन अपने जैसे किया था सेम उसी तरह चौथे में करना है अपने पास इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया पॉइंट नो 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 एक्स मान लिया अब देखो x है तो इसको क्या किया दस से गुना दस से गुना किया तो क्या हो गया दस एक्स दस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा नो पॉइंट नो 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 ठीक है चल रहे अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं दस एक्स इक्वल टू नो प्लस नो प्लस पॉइंट नो 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 दस एक्स नो प्लस पॉइंट नो नो को क्या मान लिया एक्स दस एक्स में से एक्स इधर आएगा कम हो जाएगा इक्वल टू नो दस एक्स में से एक एक्स गया नो एक्स इक्वल टू नो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो नो बटा में नो क्या आगी एक एक्स की वैल्यू आ गई एक इसका मतलब क्या हुआ जो पॉइंट नो 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 है और एक है इनके बीच बहुत ज्यादा कम अंतर है कि इनके बीच क्या है बहुत कम अंतर है बहुत कम अंतर है एक बटा एक के रूप में इसको अपने लिख सकते हैं इतना कम अंतर है ये था अपना चौथा क्वेश्चन अब देखो पांचवा क्वेश्चन एक बटा सत्रह के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है अब नीचे देखो कितना है सत्रह है तो सत्रह से कम सोलह अंकों की संख्या हो सकती है सत्रह से एक कम इसके प्रसार में जो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है वो कितनी हो सकती है सोलह एक कम सोलह तक हो सकती है तो इसका जब प्रसार करते हैं वो अपने पास आता है पॉइंट जीरो पाँच आठ आठ दो तीन पाँच दो नौ चार एक एक सात छ चार सात एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह इसका प्रसार करोगे तो ये इतने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी आप इसको ट्राई करके घर पे देख सकते हो कितने अंकों के बाद इसी चीज की पुनरावृत्ति होती जाएगी ये था पांचवा क्वेश्चन अब देखो छठा क्वेश्चन कि P बटा में जो Q है वो बनिष्ठ भी ना हो और आपको ऐसे उदाहरण लिखने हैं और उनका जो दशमलव प्रसार हो वो क्या हो शांत हो ऐसे कोई भी उदाहरण आप अपनी करके प्रैक्टिस लिख के दे सकते हो जैसे दो बटा पांच है पॉइंट आया पांच चौक है बीस जब बाघ चला गया पूरा पूरा इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है अब एक बटा दस को लिखोगे जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा पॉइंट एक ये भी कैसा है शांत है और कुछ भी लिख सकते हो जैसे तीन बटा में दो लिखोगे तो एक पॉइंट पांच आ जाएगा सात बटा में आठ लिखोगे तो पॉइंट आठ सात पांच आ जाएगा मतलब कोई भी उदाहरण लिखने हैं जिनका पूरा पूरा भाग चला जाए और कोई भी अनावसानी आवर्ती प्रसार ना हो चौथे सातवें में क्या लिखना है इसके उल्ट लिखनी है संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो अनवसानी आवर्ती हो तो आप कोई भी लिख सकते हो जैसे पाई की वैल्यू होती है तीन पॉइंट एक चार छ एक चार एक छीक है इसी के बाद जैसे कोई और उदाहरण कुछ भी जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो, जीरो 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 एक या फिर कोई पॉइंट चार एक चार एक एक चार एक एक अना, अनावर्ती है अनावसानी तो लेकिन अनावर्ती आवर्ती ना हो तो आपको कोई भी उदाहरण एक चार इस प्रकार तीन उदाहरण लिखने हैं पहले जो हल्की है क्वेश्चन उसमें से भी लिख सकते हो अपने स्टार्टिंग में इसके बाद देखो पांच बटा सात और नौ बटा ग्यारह के बीच आपको तीन जो एप संख्या लिखनी है तो पहले देखते हैं अपने पांच बटा सात को हल करके किसका प्रसार क्या होता है पॉइंट पचास सात सात उनचास एक बचा दस सात एकम सात फिर तीन तीस सात चौके अठाईस दो बीस सात दूनी चौदह छह साठ सात आठ छप्पन छप्पन चार चालीस छप्पन में के बाद चार बचेंगे चालीस सात पांच है पैंतीस पैंतीस में से पांच बचे पचास सात सात उनचास एक दस सात एकम सात फिर वही चीज चल पड़ी कि मतलब इतने का प्रसार आएगा ये इतने की पुनरावृत्ति होगी इसके बाद देखो नौ बटा में ग्यारह को अपने हल करते हैं इसी तरह तो क्या आएगा पॉइंट नब्बे ग्यारह आठ है अठासी दो बीस ग्यारह एकम ग्यारह नौ फिर नब्बे ग्यारह आठ है अठासी फिर दो बीस ये पॉइंट आठ एक का प्रसार आएगा ठीक है अब ये तो क्या पॉइंट सात एक का ये आ रहा है पॉइंट, पॉइंट आठ एक का तो आप इसके अलावा फिर कुछ भी लिख सकते हो पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या सात दो सात दो दो सात फिर दो को तीन बार लिख दो सात दो को चार बार लिख दो इसी तरह फिर पॉइंट सात तीन सात तीन को दो बार सात तीन को तीन बार फिर सात तीन को लिख दो चार बार फिर कोई भी पॉइंट सात चार सात चार को दो बार सात चार को आप लिख दो तीन बार और फिर इसको लिख दो चार बार मतलब इन दोनों के बीच में लिखनी है कोई भी एप्रीमे संख्याएं जो आपको सुटेबल लगे खुद को याद हो समझ में आ रही हो वो आप लिख सकते हो ये इजी लगी मेरे को इसलिए आपको बता रही हूं मैं दो के बाद तीन तीन के बाद चार लेना है अब देखो लास्ट क्वेश्चन कि बताइए कौन सी संख्याएं प्रीमे है और कौन सी अप्रीमे है अब देखो अनरूट तेईस है इसको अपने हल नहीं कर सकते इसको अपने हल करके सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो यह है, क्या है अप्रीमय संख्या है 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का तो ये क्या है प्रीमय संख्या है ये शांत है सही है तो यह भी मतलब बार बार इसकी आवर्ती नहीं हो रही तो ये भी क्या है प्रीमय संख्या है ये भी क्या है प्रीमय संख्या है और ये भी सेम है बस यहाँ पे खत्म होगी आगे तक नहीं बढ़ रही तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है लेकिन ये बार बार जीरो जीरो एक चलता जाएगा तो ये भी क्या है अपनी अपरिमेय संख्या है कि जिन संख्याओं को अपने पी q के रूप में लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते इसको लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं तो ये क्या है परिमेय संख्या तो दोनों क्या है अप्रीमिय संख्या तो आपकी ये प्रश्नावली है एक पूरी हुई धन्यवाद